माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष शांडे आपका बिस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ बेनिफिट के बारे में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, और ये जो है वो है मास्क। मास्क से रिलेटेड इतने अमेजिंग फिगर्स सामने आ रहे हैं, या हम देखते हैं कि जो मैजिक इफेक्ट्स हैं या जादुई असर हैं वो सामने आ रहे हैं डिजीज़ को लेकर। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जो मास्क है उसको हमने COVID-19 पैंडेमिक में यूज़ किया और इससे हमने इस इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक फैलने से रोका, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो न केवल COVID-19 के इन्फेक्शन को रोकने में मदद की, बल्कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसमें इसने फ़ायदा पहुंचाया। स्टडीज़ जो हैं वो सामने आती जा रही हैं, जिससे हमें पता चला कि इसे हमें किन बीमारियों को रोकने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज़ हैं उनमें 40% से ज़्यादा कमी आई। और ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऐसी डिजीज़ जो एयरबॉर्न डिजीज़ होती हैं, और जो एयर में ड्रॉपलेट जो हम अपने नाक से, मुंह से, या थ्रोट से, या लंग से डिस्चार्ज करते हैं, वो ड्रॉपलेट एयर में जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट करते हैं। तो इन जो डिजीज़ हैं उनमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं? जैसे कि हमने देखा फर्स्ट COVID-19 जो इन्फेक्शन है वो इसी तरीके से फैलता है। साथ ही साथ में जो टीबी है, जो एक मुख्य बीमारी है, काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन आज भी मौजूद है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलती है। तो ये इसमें के जो मामले हैं, इसमें जलंधर के सिविल हॉस्पिटल ने अपनी रिपोर्ट दी है कि इस ड्यूरेशन के दौरान COVID-19 पैंडेमिक अटैक के दौरान 54% मामलों में कमी आई है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है और इसका श्रेय जाता है मास्क को, कि मास्क लोगों ने पहना और इसकी वजह से इस इन्फेक्शन को फैलने से रोका। और जो दूसरी डिजीज़ हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है, सामान्य सर्दी जुकाम जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, स्वाइन फ्लू जो है जिसे पिछले कई समय से बहुत ज़्यादा हेल्थ हजार्ड प्रोड्यूस किए और कई लोगों की इसमें डेथ हुई, तो इस COVID-19 पैंडेमिक के दौरान जो है स्वाइन फ्लू के मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा से कमी आई। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उनको रोकने में एक मास्क जो है वो काफ़ी मददगार साबित हुआ। इसमें एक और चीज़ देखने में आई है कि जो दूसरे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जैसे मीजल्स होता है, मम्स होता है, चिकन पॉक्स है, ये सारे के सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस बीमारियों के जो ड्रास्टिक कमियां आई हैं, जो मामले में कमियां आई हैं, तो उसका श्रेय जाता है इसी मास्क को। तो देखा आपने ये मास्क जो है वो किस प्रकार से मददगार साबित हुआ है। और इसके साथ साथ में न केवल ये इन्फेक्शस बीमारियों को रोकने में कारगर साबित हुआ है, जो स्टडीज़ हो रही हैं और उसमें बताया गया है कि इसने और भी बीमारियों में कमी लाई है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि एलर्जीज़, जो रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ होती हैं, पॉल्यूशन से होने वाली कई सारी एलर्जीज़ होती हैं, जो 2020 में लैंसेट में पब्लिश हुआ, ICMR ने जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसे अपनी रिपोर्ट दिया है, उसमें बताया गया कि 2020 के दौरान लगभग 17 लाख लोगों की जान गई एयर पॉल्यूशन की वजह से। और ये जो एयर पॉल्यूशन की वजह से जो डेथ्स हुई हैं उसमें ड्रास्टिकली इस साल में रिडक्शन हुआ या कमी आई है। तो डेफिनेटली इस समय में हमने
बेसिकली जो मास्क पहना और एयर पोल्यूशन के कारण जो टॉक्सिन्स हैं, जो इरिटेंट्स हैं, जो हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी इन्हेलेशन के थ्रू अंदर गए, उसको जाने से हमने रोका, तो इसका श्रेय फिर से जाता है मास्क को। तो देखा आपने ये मास्क हमारे लिए कितना ज़रूरी साबित हुआ है या इसकी आवश्यकता आगे भी हमारे लिए कितनी ज़्यादा है। फिर साथ साथ में जो रेस्पिरेटरी इन्हेलेशन की वजह से जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होती है, इवन हम ये कह सकते हैं कि जो COPD के केसेस होते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसमें कि बेसिकली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं जो एयर में होते हैं, वो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और लंग्स को नुकसान इस तरीके से पहुंचाते हैं कि जो एल्वियोलाइज होते हैं, जो छोटे एयर स्पेसेस होते हैं जो लंग्स में के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है इन्हीं इरिटेंट्स की वजह से, पॉल्यूटेंट्स की वजह से। तो मास्क लगा के हम इसका जो अंदर इनहेल करते हैं उसमें काफ़ी कमी ला सकते हैं। फिर साथ ही साथ में और भी ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें को कि हम रोक सकते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग होती है। जो सिगरेट स्मोक करते हैं, जितना ज़्यादा नुकसान उस व्यक्ति को पहुंचता है, तो उससे के बराबर ही जो नुकसान होता है वो जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं जो स्मोक नहीं करते मगर उस स्मोक को इनहेल कर लेते हैं। तो जो सिगरेट से निकलने वाला जो धुआं है उसमें लगभग 4-7 हज़ार केमिकल्स होते हैं, उनमें से जो 100 जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और जिसमें से 70 जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं या कैंसर पैदा करते हैं। तो इस मास्क के द्वारा हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं, और ये भी साबित हुआ है कि जो COPD के जो केसेस थे वो काफ़ी कम आए। तो ये पंजाब में एक जो सिविल हॉस्पिटल है तो उसमें ये स्टडी हुई और उसमें उन्होंने पाया है कि लगभग TB के जो मरीज थे वो 54% कम आए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये मास्क ने ना हमको COVID-19 पेंडेमिक में बहुत हेल्प किया, बल्कि कई सारी जो डिजीज़ थी तो उसमें से भी बचाने में मदद दी। और इसी प्रकार से आगे भी हम इसका यूज़ करते रहेंगे तो हमें हमारी हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आई होप आप ये मास्क का रेगुलर यूज़ करते रहेंगे और अपने आप को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते रहेंगे। और मैं ये मानती हूँ कि ये जानकारी आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से बताइए कि इससे आपको पर्सनली इस मास्क से जो आप पहनते हैं तो उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो पब्लिक हेल्थ बेनिफिट में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी के साथ मैं आपको विशेष देती हूँ कि स्टे हेल्दी विथ मास्क। थैंक यू।